नमो अहंकारं नमो सिद्धारं नमो अहंकारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहूलं शुद्धात्मात्मने कांतं साधमस्तं मंगलं वंदे सन्दर्शिसिद्ध्यर्थं सन्दर्श्य च प्रकाशकं मंगलं भगवान् इहो मंगलं गौतमं मंगलम पुण्यपुण्याशो जैनधर्मोक्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जयम् जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काष्ठे सिद्ध भावाय भावाय जीवमजीवं जपं जीवद्वसमेण निश्चित्तम् देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्देकं सर्वदाशिषा। भोजन का बार बार चबाना ये भोजन की पाचन के लिए है। ऐसे ही जो पाठ हैं उनका बारंबार विचार करना, बारंबार विचार करना संवेग और वैराग्य के लिए है। ऐसी सुंदर रोग दिया स्वाध्याय है, ठीक है, चरणों में आया हूं प्रभुपद। सोचो और विचार करो आए हैं कि नहीं आए, चरणों में आया हूं प्रभुपद। शरीर की शरीर में विचार करें तो शरीर से तो आए और भाव से आए कि नहीं आए। चरणों में आया हूं प्रभुपद और क्या भावना भारे, शीतलता मुझको मिल जावे। काय के लिए आए हैं, शीतलता मुझको मिल जावे। भगवान ने क्या कहा, शीतलता का उपाय एक चर्चा पहले लिखी थी। वैद्य स्वास्थ्य देता नहीं, स्वास्थ्य उसके पास थोड़ी तुम्हारा सुखन दे देगा। वैद्य स्वस्थ रहने की और स्वस्थ होने की कला बताता, दोनों वाक्य समझ में आए, स्वस्थ रहने की और स्वस्थ होने की। पहले तो स्वस्थ कैसे रहा जाए स्वास्थ्य के नियमों को बताया, तो बीमार ही ना हो पाए, और फिर बीमार कदाचित हो जाए तो स्वस्थ कैसे हो। वैद्य स्वस्थ रहने की और स्वस्थ होने की कला बताता। ऐसे हमारे ये परम वैद्य सर्वज्ञ देव पराकस्मिक विशद भैया, पराकस्मिक विशद अर्थ करना हिंदी, परा उत्कृष्ट अचानक मिल जाने वाले वैद्य, पराकस्मिक विशद काय के लिए, काय के वैद्य हैं ये, टीवी के कैंसर के हड्डी के काय के हैं ये। महामोहा शंक प्रसवन परा कस्मिक विशद, महामोहा शंक प्रसवन परा कस्मिक विशद। इस महामोह के समन करने वाले उत्कृष्ट वैद्य हैं। और मोह का समन का अर्थ क्या है, सर्व समस्याओं का समाधान, सर्व दुखों का समन। जितनी भी समस्याएं हैं
मोह से ही तो उत्पन्न हुई है। रामचंद्र जी ने क्या लिखा, उपजे मोह विकल्प थे, ये संसार मोह से उत्पन्न हुआ। लड़के की और पिता के काय की अपेक्षा नाती है, जीव जीव का नाता है कि शरीर शरीर का नाता है, काय का नाता है, मोह का नाता है, शरीर शरीर का नहीं। अगर शरीर शरीर का हो तो वही लड़का उन पिता के शरीर को दाह देता, शरीर का नाता हो तो पिता वही लड़का पिता को दाह देगा, और प्रसंग पड़ जाए तो पिता पुत्र को दाह देगा। आत्मा आत्मा का नाता है तो दूसरे गति में पहुंच गया, अब क्या नाता बोलो। आपके पिता का जीव अगर आ जाए सामने, ये घर हमारा है, जो प्रॉपर्टी हमारी है, क्या करोगे? आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आए? विचार करो, मोह के नाते, मोह का नाम है ये पागलपन। जिसके जीवन में मोह है उसके जीवन में अंधकार है। भविष्य अंधकार में अंधेरा, मोह से ही तो कह रहे इतनी जायदाद का क्या होगा, इसको कौन संभालेगा, ये कौन कह रहा? ज्ञान क्या कहेगा? तो भैया कण कण का परिणमन स्वाधीन है, न तुम संभाल रहे हो और न कोई दूसरे को तुम सोच रहे संभालेगा। एक बात को हमेशा याद रखना, अपने बिना वही काम रुकेगा जो अपन कर रहे होंगे। अपन कुछ जब नहीं कर रहे तो अपने बिना क्या रुकेगा, बताना भैया। जिन्होंने मंदिर बनाए थे पर्वत पर, उन्होंने ये सोचा होगा ये कांच का काम होगा, फलाना काम होगा, ये कौन कराएगा? यहाँ कौन बनाएगा? भैया इनकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। ऐसे धर्मायतनों में अपने धर्म को समझो, धर्मी को समझो, धर्म का फल समझो, धर्म प्रकट करने की कला समझो। ये धर्मायतन है। धर्मायतन का मतलब क्या है बोलना, धर्मायतन का मतलब क्या है? ये सम्यक्त्व के आयतन है, यहाँ सम्यक्त्व प्रकट करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम ही तो धर्म है। ये सम्यक्त्व के स्थान है, मोह छोड़ो, यहाँ आकर के भूल जाओ। ये हम शरीर हैं, हम 50 वर्ष के हैं, हम 40 वर्ष के, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, हम मूर्ख हैं, अरे ये भूल जाओ सब बात। यहाँ तो ये याद रखो, मैं एक व्यायक भाव, परमाणु मात्र मेरा। ये लौकिक परिचय भूल जाओ, यहाँ तो ये याद रखो, इस पर्याय विषय जो को देखन जानन आरो सो, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनाज अनंत अरु। कुछ अन्य व मेरा नहीं, मेरा मानता रहा ये मोह का पागलपन था, सपना देख रहा था। इतने भी जिनवाणी है, ज्ञान है, पाठ है, जगाने के लिए है। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगाने को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। तुम इसे ध्रुव समझे हो, तुम्हें जगा रहे या ध्रुव है? ध्रुव तो तुम्हारा तुम्हारा आत्मा है। ये धर्मायतन है, मतलब क्या है? सम्यक्त्व के आयतन है,
ज्ञान के आयतन है, अज्ञान मिटाओ जाओ। इसकी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, और अपनी भी चिंता मत करो, चिंतन करो, उपाय करो। था ना, तम उपायम विचिन्त्ये। क्यों भैया, कहां से कह रहे हैं हम तम उपायम विचिन्त्ये? अरे आगम से बोलो भैया, मुझे मैंने निश्चय कर दिया है ये मोह ही दुख का कारण है, मोह ही बंध का कारण है। स्थूल पाप छोड़ करके स्थूल पुण्य में रचपच गए, मगन हो गए, ये कोई उपलब्धि नहीं है। कुछ आगे नहीं बढ़ गए, कुछ कर नहीं दिया। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या को हमने पूजा का नियम ले दिया। अरे तुम ये नियम लो भैया। क्या नियम लो? पर को अपना नहीं मानो, अपने को अधूरा नहीं देखेंगे, पर में सुखी कल्पना नहीं करेंगे, ये नियम लो ना। हमने 2 घंटे स्वाध्याय का नियम ले लिया, 2 घंटे पढ़ते सुनते हैं। पढ़ना सुनना अलग बात है, 2 घंटे सुनो, 4 घंटे सुनो, पढ़ो, कोई मने नहीं है। विकथा से प्रमाद से बचने के लिए, लेकिन जब तक भेद ज्ञान नहीं किया तब तक भैया कोलू का बैल दिन भर चलेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। कोलू के बैल की तरह दशा है, दिन भर पढ़ोगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। 6 घंटे मीटिंग चले और कोई निर्णय न हो तो उस मीटिंग को क्या कहेंगे हम? बहुत बातें हो, तमाम, कोई कुछ और निर्णय कुछ नहीं हो तो मतलब क्या निकलेगा? और विपरीत निर्णय से क्या मतलब निकलेगा? वो और खतरनाक। हर व्यक्ति ये सोचता है निर्णय हमारे पक्ष में हो। अरे निर्णय सत्य के पक्ष में होना चाहिए, और हमारा पक्ष भी सत्य का पक्ष होना चाहिए। विचार करो भाई, इसका क्या होगा, ये कौन संभालेगा, क्या होगा? बुलाने तुमको याद हो, हम तो उतरी पार झोंक भार को भार में, जिनके सिर पर भार से डूबे मैं धार में, हम तो उतरी पार झोंक भार को भार में, इनका क्या होगा? भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? इसका अनंत काल का परिणाम भगवान के ज्ञान में है, इसका क्या होगा? किसी दिन टूट जाएगा, ईंधन बन जाएगा, जल जाएगा, राख बन जाएगी, फिर पेड़ बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इनका क्या होगा, इसका क्या होगा? क्या पुद्गल का पुद्गल ही रहेगा, अपना कभी नहीं होगा? अपना होगा और ऐसा ही बना रहेगा क्या? संभव है? ठीक, द्रव्य में अनाज काल की पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, अनंत काल तक चलता है। बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी के किए हुए, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, बिना किसी के विकल्प के, बिना किसी की चिंता के, बिना किसी की हस्तक्षेप के। मोह छोड़ो, ये तो 2-4 बार कह चुके हम यहाँ भैया,
इनका क्या होगा ये सोचते सोचते अगर ये छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा ये तो बता। और ये नहीं छूटे तो अभी कर्म का बंध तो हो रहा है ना, तुम्हारा क्या होगा इनकी चिंता करते करते। और अगर तुम्हें थोड़ा राग भी है तो समय रहते सदुपयोग कर लो उसको, जल्दी छोड़ को खत्म मामला, क्या होगा। नहीं कोई एक लड़का नहीं, लड़का नहीं इतने लड़के तो हैं, बना दो लड़कों के लिए कोई हॉस्टल, पढ़ते रहेंगे तो भाई। वो लड़का पूत हो के कपूत हो, क्या कहें क्या नहीं हो, तमाम उसमें विकल्प हैं, यहाँ तो पढ़ते रहेंगे बच्चे। बना दो कोई उत्तम धर्मायतन बिना अभिमान के, यत्नाचार और विवेक से बाहुली की प्रतिमा कब बनी, श्रवण बील गुलाम कब बनी, और बताते आज भी उसके ऊपर पक्षी नहीं बैठा। क्या अच्छा तो है, कुछ अच्छा नहीं, भावनाओं का अच्छा है और कुछ नहीं। आपको पहले भी बताया था जब चामुंड राय ने उसको बनाना प्रारंभ किया तो ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के चामुंड राय उसी दिन आचार्य के पास से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया, और शिल्पकार ने भी ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के उस प्रतिमा को बनाया। उस शिल्पकार की स्त्री एक दिन चामुंड राय की पत्नी से बोली, हमारा पति प्रतिमा बनाने में इतना तल्लीन है, भोजन लेकर के जाती हूँ देखता भी नहीं, कभी देखता भी नहीं है, रख दो रख कर। बोली ऐसा कोई हो सकता है, कल मैं जाऊंगी तो वो कौन सी भोजन रख दो। उसको बड़ी इंसल्ट लगी, अज्ञानी को अपमान लगता है, ज्ञानी को आनंद आता है, देखो धन्य है इसके व्रत को। चामुंड राय से आकर के कहा, तुम्हारा मूर्तिकार बहुत अभिमानी है, क्या बात हो गई। अरे मैं भोजन लेकर गई, मेरी वो देखा भी नहीं, कि ये तो उसका गुण है ना, ब्रह्मचर्य व्रत लिया ना। अच्छा तो ये है, प्रतिमा तो अच्छाकारी होगी उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा तो ये है राम एक बार कंपायमान हो गए, अब क्या होगा। उस अग्नि की कुंड को देखकर अब कोई चैबी नहीं रहा के रहने दो। जब कहा तब राम ने कहा, चुप रहो, उस दिन की निर्दोष दोष लगाई हुई सीता आज निर्दोष कैसे हो गई, चुप रहो परीक्षा होगी। आप कोई कह नहीं, राम को एक बार विकल्प आ गया, हालांकि राम कोई है सदवा मोक्षगामी जी थे कोई बात नहीं, लेकिन चारित्र होगा भय, लेकिन सीता के मन में कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, यह है अच्छा। ऐसे कह रही, ऐसे कह रही है सीता जैसे कोई निशंक पुरुष है, नातर जल हो जा, यो पर पुरुष निहार के मैं कचकियो हो वो को भाव भस्म अग्नि मोहित, जो नातर जल हो जा, ऑर्डर जैसे कोई देता। नातर जल अगर मैंने मन में भी, मनस वचित काये जागरे स्वप्न मात्र आया ना, मैंने मन में भी और स्वप्न में भी अगर कोई किसी के प्रति पति भाव हुआ हो मुझे तो अग्नि भस्म कर देना, और नहीं तो साक्षी। अच्छा इसको कहते हैं हम, अनाज काल का मिथ्या दृष्टि और क्षण मात्र में सम्यक दृष्टि हो जाए, कैसा सिंह क्रूर फाड़ करके खड़ा और अंतर मुहूर्त में श्रावक हो जाए, ये अच्छा। जिनवानी का अच्छा देखो तो सही,
ज्ञान का महत्व। विश्व में अगर कोई सबसे अधिक चमत्कारी वस्तु है तो वो ज्ञान है। चामुंडराज जी ने जब प्रतिमा बनवाई उसके बाद कार्य पूरा हो गया, महाराज प्रतिमा बन गई। बोले देखो और कोई कसर हो तो कर लेना, जितनी भी अगर आज ढिसाई से रज निकलेगी पत्थर की जितने से उसके बराबर हम सोना देंगे, तो कर लो अपने मन की, बिल्कुल कोई कसर नहीं रहना चाहिए। कितनी छोटी कितनी उदारता, फिर थोड़ी बहुत करी, दूसरे दिन फिर बोले देखो आज भी कोई तुम्हें कम कसर लगती हो तो कर लो, हीरे जवाहरात तोल देंगे उसके बराबर। हाथ जोड़ दिए, अब कोई कसर, अब गुंजाइश नहीं। और ऐसा चामुंडराय का भी देखो प्रसिद्ध कथा है, कल साल से पूरा नहीं हो पा रहा था, ऐसी प्रतिमा इतना विकल्प आ गया बस खाली, अब से पूरा नहीं हो पा रहा था। किसका क्या होगा ये मत सोचो, हमारा क्या होगा ये सोचो, ये धर्मायतन है, सम्यक्त को प्राप्त करने के आयतन है। पावन प्रतिमा को देखो और सीखो, समझो, मोह का कषायों का विसर्जन करो। मोह का उपशमन माने सारे क्लेशों का उपशमन, सारी समस्याओं का समाधान। किनका लड़का, किनकी जमीन, किनकी जायदाद, किनकी पद, किनकी प्रतिष्ठा, ये बैठे बैठे यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, आपको लग रहा है पंडित जी कर रहे, उससे पहले भी होते होंगे, उसके बाद भी होंगे, ये कोई बात थोड़ी है कि बाद में कौन करेगा, तो पहले कौन करता था। ये कोई सोचने की बात ये है, इस प्रवचन में से ग्रहण करने योग्य क्या है। कलश टीका में पांडे राजमल जी ने क्या अर्थ किया, जिन बचत रमनते का, जिन बचत रमनते स्वयं वांत मोहा, ये मोह का स्वयं एक बमन कर देते। क्या अर्थ किया, जिन वचन में कही हुई कोई उपाधेय रूप शुद्ध आत्मा वस्तु, उसमें जो रमते हैं उनके मोह का भवन। व्यवहार अर्थ भी जहां का तहां समझना, जिन वचनों का रमनते माने आनंद पूर्वक अभ्यास करते, निवृत्ति पूर्वक अभ्यास करते, जैसे बच्चे खेल में रम जाते हैं, भोजन तक की सुध नहीं, ए दुकान पर आ जाना अभी आ जा, जल्दी आ भैया भोजन कर ले, रात हो जाती, अब जाकर उस खेल में इतना मगन, थक गए होगे, अरे थका ही गए, खेल में थकते नहीं। दीदी हम बच्चों से कहते हैं अलग से मत खेलो, काम को खेल की तरह करो, जिम्मेदारी से ईमानदारी से अपना हित समझते हुए काम करो, थकान ना आए, थक गए, थकाती कथाएं हैं, ज्ञान आनंद देता है, कथाएं थकाती, कथाओं से जीत थकता ही है, ज्ञान से आनंदित होता है, ज्ञानाभ्यास आनंद पूर्वक अभ्यास, रमंती माने आनंद पूर्वक अभ्यास, पढ़ना तो आनंद पूर्वक पढ़ना, सुनना तो आनंद पूर्वक सुनना। विचार से विचार से आनंद मा, एक अंतर में निर्णय हो जाए और खड़े हो जाए, ऐसा सुनना होना चाहिए, ऐसा पढ़ना होना चाहिए। धर्मायतन का अर्थ आगे बढ़ो क्या है,
की गणा व्यास के स्थान है। यहाँ पे कथा मत करो, सो मत, एक दूसरे की निंदा वगैरह तो करना ही की बात ही नहीं है। विवाह शादी संबंध व्यापार धंधे ये सब बातें दूर रखो। पंचायत भवन अलग है, जिन मंदिर है धर्मार्चन है। मतलब ज्ञानाभ्यास के स्थान है। तीसरा चलो कि अहिंसा के स्थान, अहिंसा का हमारे मंदिर में पंखे नहीं है, ये हमारी गौरव है, हमारी व्यवस्था है, ये संस्कृति है। ये हवा खाने के स्थान नहीं है, ये गर्मी सहन करने के स्थान। क्या लिखा उसने? परिचय, उसने परिचय जय। विचार करो क्यों ये अहिंसा के स्थान। यहाँ एक एक बूंद पानी को ऐसे हिसाब से सोचो। अनावश्यक आरंभ मत करो, संकल्प पूर्वक किसी जीव की विराधना तो करो ही मत, लेकिन अनावश्यक आरंभ मत करो। हम पहले आए थे तब भी कहा था, फैलाओ मत, समेटो अब, समेटो। कुछ और लोग भी करेंगे आगे चल के, कर लेना उनको, तुम अपना काम करो। नहीं तो दो दिन के लिए आओगे तो ये देखोगे, वो देखोगे, फिर देखोगे। दो दिन के लिए आओ तो कम से कम अपने को देखो। सच्ची बात है ये। ठीक है, धर्माचरण भी देखो, व्यवस्था भी देखो, वो अलग व्यवस्था है। घर देखते हैं तो व्यवस्था धर्माचरणों की भी देखते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो केवल अपने को देखो, अपना हित देखो। किसी को देखने के लिए नहीं रह रहे, केवल हम अपने लिए देखें। ये धर्मार्चन है, मैंने अहिंसा किया। एक भाई आए हमारे यहाँ, पंखा नहीं है। उनको भैया ने समझाया पंखा है। क्यों? पंखा तो सब करते हैं। अरे सब करते हैं, सब कैसे कह दिया तुमने? सर्वज्ञ तो हो नहीं, सर्वज्ञ है ना। सोचो, आरंभ अनावश्यक आरंभ मत करो, जितनी जरूरत हो उतना सदुपयोग करो। हम बार बार यही कह रहे हैं, जितना है उसका सदुपयोग करो। कल आपने कहा, हमने आज आपको कह दिया, हमने भैया गोष्ठियां लगाओ, जितनी भी लग पाए। हम हर गोष्ठी में नहीं आ पाएंगे, और विद्वान है सब लोग आएंगे, जाएंगे, ऐसा नहीं। गोष्ठी लगाओ, प्रौढ़ शिविर लगाओ, आवासीय शिविर लगाओ। जितनी तत्व की जागृति होगी उतनी यहाँ उन्नति होगी। धवल मंगल गान रवा कुले, बच्चा आता है, दूध आता है, चिंता मत करो, सब अपने अपने भाग लेकर के आते हैं। बिल्कुल सोचो ही मत। और ये तो समोधन है, इनका तो अच्छे ऐसा है, इतने से ही स्थान में अगर इससे चौगने आ जाए तो अभी ठहर जाए, रुक जाए, इतना बात्सल्य है। अरे भैया यही रख ली हो, हमने तो देखा है 25-30 साल पहले सोनागिर में, जब बंदना को बैलगाड़ियों से भी कभी कभी आ जाते थे, बैलगाड़ियों से। तुम्हारा परमांगम मंदिर जब अपना है, वहां बैलगाड़ी खड़े होने के लिए तो बनाया था बुक पीछे, वहां आकर के बैलगाड़ियां खड़ी होती है। सामने मंदिर, वो धर्मशाला, पीछे बैलगाड़ियां भी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। हमारा मतलब चले चले आ रहे झूला लेकर, वहीं रख लो, वहीं अपने नहा लो, वहां वंदना को चले आ, लौट के आए भैया यहीं भोजन कर लियो, हम जे ले आए कसार ले आए तो हम इसे खा ले। माने ये सब गौण, बाजमा की खूब वंदना भक्ति पूजा,
चिंता ही मत करो इस बात। एक एक द्रव्य अपना अपना परिणमन लिए हुए है, अपनी अपनी सामर्थ्य अपना परिणमन होता, हमारी सिर पर बिल्कुल भार नहीं किसी का। निर्भर होकर के रहो, ज्ञानी होकर के रहो, पूरी जिम्मेदारी और पूरे निर्भर, पूरा वात्सल्य और पूरी वितरागी। ये नयों का संतुलन है, ये अहिंसा के आचरण। यहां अहिंसा सीखो और पालो, ये शिक्षालय है तो काय की शिक्षा यहां मिलती है, कॉमर्स की, इंजीनियरिंग की, के डॉक्टरी की, यहां अहिंसा की शिक्षा मिलती है। ये अहिंसा की मूर्ति है। धर्माचरण का मतलब बस धर्माचरण, धर्माचरण जैसे कछु नहीं होते, नहीं भैया, तो धर्माचरण माने अहिंसा क्या है। बहुत सोचो, बहुत सोचो, सम्यक सोचो, इन स्थानों पर कौन सी वस्तु लगाने लायक है, कौन सी वस्तु नहीं लायक, थोड़ी शोभा कम हो जाएगी, हो जाने कोई बात नहीं, बाहर की शोभा शोभा नहीं, कम सुंदर लगेगी, पहले शुद्ध होना चाहिए। वैसे भी सूत्र में सत्यम शिवम सुंदरम है, सुंदरम सत्यम शिवम नहीं है, सत्यम पहले तो सत्य होना चाहिए, सम्यक, और फिर शिव कल्याणकारी, और फिर सुंदर, ऐसा तो नहीं उल्टा करोगे आप, सुंदर लगना चाहिए कैसे भी हो, ये कोई बात नहीं। परसों हम बैठे थे, हमने तो पूछा, हम पूज्य पाद स्वामी ने लिखा कि दान आदि के लिए भी धन संचय करते हैं, संचय करते हैं, बहुत होगा तब हम दान देंगे, अरे जितना है उतने में से दे लो, बहुत होगा कि नहीं होगा, कि हम होंगे कि नहीं होंगे, कोई लेने वाला होगा कि नहीं होगा, उसका क्या होगा, आगे के लिए मत सोचो, वेद ज्ञान सदैव रखो और समय रहते सदुपयोग करो। कीचड़ लगा करके स्नान करना, के कीचड़ लग जाए तो स्नान करना, लग जाए तो स्नान करना जरूरी है भाई, सवेरे कर लिया हो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर खींचे बढ़ जाएंगे तो स्नान अभी करेंगे, ऐसे पुण्य के हो जाए कि सामग्री मिलती है तो उसका हम दान आदि में उपयोग करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें चाह। और उसके साथ में एक बात बिचारा हमने का देखो, अन्याय का धन दान में भी देने लायक है, भोगने लायक तो है ही नहीं, दान में देने लायक है। हलाहल विष स्वयं तो पीने लायक है ही नहीं, लेकिन किसी को पिलाने लायक है। बिल्कुल आप अपने नेक कम, आपकी शांति आपके भीतर इतनी शांति होगी कि आप बांटोगे को और तो अभी घटेगी नहीं, चित्त में शांति नहीं, चित्त में शांति नहीं, अशांत अशांत तो कर रहा है मोह, अन्याय का धन दान में देने लायक भी नहीं है। अन्याय का धन जब से बढ़ गया और जब से इन कार्यों में शौक फैशन और उसमें सब में खर्च होने लगा, आप सर्वेक्षण करा लेना, हमारे घरों में अशांतता उतनी बढ़ गई, हमारे धर्मायतनों में अशांतता बढ़ गई, हिंसा तानी हो गई पद प्रतिष्ठा के लिए, भैया तुम बन जाओ, नहीं नहीं तुम ही बन जाओ, हम कह रहे अरे तुम ही कर रहे, मन इतना प्रेम था, बन गए तो बन गए, तो नहीं तो जो बन गए सो बन गए, आज खींचातानी हो गई चुनाव, जैसे कोई लोकतंत्र के चुनाव हो रहे हो, लोकतंत्र के चुनाव भी कितने पवित्र थे सेवा की भावना से,
जब तक भावना थी तब तक पवित्र थे, जब से भावना नहीं गई तो अपने आप हो जाए। ये था अशांतता का प्रबल कारण है अन्याय का धन और अवक्त मर्यादाओं का उल्लंघन। फिर कौन देगा ये मत सोचो, किसका लगेगा, कहां लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, भगवान की ज्ञान में है कि नहीं, तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा है कि नहीं ये बता। हमारे एक बुजुर्ग थे हमारे गांव में, तो वो जैसे अब तो चले गए, बोले हलाल जेर है जी, ये धर्मार्जन का धन अपने काम में ना आ जाए किसी तरह से, अपना लग जाए ये पूछो, हलाल जेर है। हमारी बुद्धि निर्मल रहे, अभी परमात्म प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा है, कम 10-12 दिन हो गए, एक गाथा, जो मनुष्य पर्याय पाकर के भी तपस् निर्मल चित्त से तपस्या नहीं करते वे अपने को ठगते, मूल विषय ये है। पहले तो तपस्या ही नहीं करते, इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, वे तो ठग ही रहे अपने को, वे सुखी कल्पना कर रहे हैं लेकिन वे कभी सुखी नहीं होंगे। कौन? जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, कथाओं की पूर्ति में लगे हैं, वे कभी सुखी नहीं होंगे और कहीं सुखी नहीं होंगे। और अगर तपस्या भी करते हैं तो बस अनशन कर लिया, उनोदर कर लिया, एकाध रस छोड़ दिया और बस अपने लगे, नहीं, तपस्या करते हैं तो अंतरंग तप की प्रधानता होना चाहिए, बहिरंग तप तो अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए, और अंतरंग तप भी करते हैं तो प्रायश्चित। तपस्या नहीं करते इसका अर्थ क्या है? अपने दोषों को निष्कपट भाव से स्वीकार नहीं करते हैं, उन दोषों का प्रायश्चित नहीं करते। अपने दोषों का प्रायश्चित न करना ऐसा है जैसे अपने रोग का इलाज न करना। और कोई व्यक्ति विचार करना, हम आपसे पूछेंगे और आप अपने को उत्तर देना, कोई रोगी वैद्य को आधी बात बताए आधी नहीं बताए तो इलाज करा सकता? आधी बताए और आधी नहीं बताए, निष्कपट भाव से दोषों को स्वीकार नहीं करते, आलोचना नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, वे अपने को ठगते। जिनका झुकाव अपनी जो अपनी ओर नहीं झुकते, इस वीतराग भाव की ओर नहीं झुकते, वीतरागी देव सास गुरु के चरणों में नहीं झुकते, ये लोकर्म की अपेक्षा कथन। जिनका झुकाव इधर नहीं है उधर ही, जितने कटायों की ओर झुकाव है, वे अपनी आत्मा को ठग रहे। जो सामर्थ्य होते हुए भी योग्य वैयावृत्ति नहीं करते, जिन शासन आत्मा की सेवा नहीं करते, परमात्मा की सेवा नहीं करते, जिन शासन की सेवा नहीं करते, गुरुजनों की सेवा नहीं करते, और करते भी हैं तो निर्मल चित्त से, नहीं स्वार्थ से और अभिमान से, को कहा गए वो पिताजी कह रहे बेटा अब रहन दे, अब हम अपना समाधि करें, अरे कोई का कहे को लड़का इलाज नहीं का, हम तो अस्पताल लेवा चलेंगे तुम्हें, हम तो उनको दिखाएंगे, हम तो ये करेंगे। अरे भाई समाधि में सहायक हो, और समाधि करेंगे ये वचन से नहीं होती समाधि, जैसे खेल खेल में समाधि नहीं होती। अगर आपको समाधि की भावना है तो निर्यापक पहले निश्चित करो, शरीर से मोह छोड़ो, कुटुंब परिवार से मोह छोड़ो, विषयों से मोह छोड़ो, और अपना उपयोग अभ्यास में, भेद ज्ञान में, वैराग्य भावना में लगाओ, तब समाधि कर पाओ। देह को अपना मानने वाला जीव कभी समाधि नहीं कर सकता,
शास्त्र तो खूब पढ़ते हैं लेकिन जो स्वाध्याय नहीं करते वे अपने को ठगते हैं। लोग तुम्हें विद्वान समझते हो तो मूर्ख के मूर्ख बने रहे हो। देव को अपना ही मानते रहोगे तो बता सगा के नहीं, अब तुम्हें कौन समझाएगा भाई? इनको तो समझे, काय को देह की मोह में मर रहे, काय को परिवार की मोह में मर रहे। आचार्य योगेंद्र देव ने कहा इस चिंतन से तो तुम कभी सुखी नहीं होगे। ये विषय और परिवार संबंधी चिंतन ही करते रहोगे, चिंता ही करते रहोगे तो तुम कभी सुखी नहीं होगे। क्या कर रहे हो तुम? अपना हित करो, अपना हित करो, अपने को हित स्वरूप अनुभवो। अपना हित करो माने अपने को हित स्वरूप अनुभवो, अपना हित अपने में देखो। विचार करो, स्वाध्याय नहीं करते और शास्त्र पढ़ते हुए भी देह की ममता नहीं छोड़ते, अपने एकाग्र होकर के धर्म ध्यान में नहीं लगते, आग्रह ध्यान में लगे रहते हैं, वे अपनी आत्मा को ठगते। अहिंसा के आयतन, अहिंसा सीखना चाहिए, यहाँ से बहुत कम उजेला है, दिन में ही बंद, शाम को बंद हो जाता है। हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो अहिंसा के आयतन है। बड़े बड़े अब अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े हेलोजन लगा दिए अब अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ये कलंक है हमारी संस्कृति के लिए। एक दीपक भी फानूस से ढांक करके रखते थे, ये हमारी शोभा है, ये हमारी संस्कृति है। काय के काय को लगा दो, आदमी पूछता था। जब भोजन करने जाते थे छोटा बच्चा पूछ रहा है, पापा जब मैं कड़ी काय को लगी है, ये कुंडा काय के लगा, ये बेछानी से बेछानी क्या होती है? जी जल के ही जल में पहुंचाएगा। कैसे? हम देखे चल हमारे संग, वो गया पूरा पर देखता रहा। वो भैया एक अजैन भाई था, एक ऐसी भूजा बिछानी करने गए था हमको। उसने कहा क्यों, क्या कर रहे जी बाल्टी में कहा है ये कीड़ा काय को डाल ले? बोले भैया ये बता, कोई का बच्चा खो जाए तो घर पे पहुंचाएंगे कि नहीं? कोई सामान खो जाए तो वहां पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? ये जल के जीव निकल करके हमारे पानी में गए हैं तो उनको उत्थान स्थान पहुंचा। हाँ भैया ठीक है ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी बाल्टी, साफ सुथरा छन्ना, साफ। बहुत खुश हुआ, बोले तुम तो यहीं से कर जाएगा, यहीं बना हरिया सब। हम अपनी पहचान ही खोते चले जा रहे हैं, वैसा ही पहनना, वैसा ही गाना, वैसा ही सोना, वैसे ही उठना, वैसे ही घर, वैसे ही व्यापार, वैसे ही शौक श्रृंगार। तो बताओ हमें और अजैन में अंतर क्या रहा? उस मंत्री ने राजा को कैसे पहचाना था? सबके सिंहासन एक सी थे। एक राजा ने उसकी बुद्धिमानी की पहचान करने के लिए एक स्वांग बनाया, राज्यसभा में एक से सिंहासन डाल दी, सब एक से बॉडी गार्ड खड़े कर दी। वो दूसरे राज्य का मंत्री आया था उसकी पहचान कर, तो आया उसने असली राजा को उसने अभिवादन किया और खाली सिंहासन पर बैठ गया। बोले कैसे पहचाना, कैसे पहचाना? अरे वेशभूषा एक ही है लेकिन दृष्टि कैसे एक ही लाओगे? सब राजा की ओर देख रहे थे और राजा अपनी ओर देख रहा था, भले वो राजा वहां बैठे तो वैसे देख रहे। विचार करो दृष्टि कहां से लाओगे, अनुभूति कहां से लाओगे, देहराज कहां से लाओगे? हो समोसरण तो देव बनाएंगे विक्रिया से, विक्रिया से समोसरण की रचना तो देव कर देंगे लेकिन वीतराग तक कहां से लाओ, वीतराग तक कहां से लाओ? वीतराग तो तुम्हें बनना पड़ेगा,
अब इतराजी बनोगे तो समोसरण तो अपने आप हो जाए। अहिंसा के स्थान है ये संकल्पी हिंसा का तो कभी वो त्याग ही होता है श्रावक को, लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा भी अनावश्यक नहीं, अनावश्यक नहीं, जितनी जरूरत है उसे। ये सत्य के स्थान है, यहाँ झूठ मत बोलो। क्या बोल रहे हैं कछु और कह रहे हैं कछु, सोच रहे हैं कुछ ऐसा नहीं। धर्मायतन है माने ये सत्य के स्थान है, यहाँ सत्य को समझो और सत्य बोलना सीखो। जरा जरा सी बातों में झूठ बोलते हैं उनका जीवन अविश्वसनीय हो जाता है, जरा जरा सी बातों में झूठ बोलेंगे उनका विश्वास कौन करेंगे, वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। ये सत्य के स्थान है, ये आचार्य के स्थान, आचार्य के चोरी व्यसन में पंडित जी ने सदा वो क्या नाम बनारसी दास जी ने क्या लिखा है, प्यार सो पराई वस्तु गैवे की क्या चोरी, प्यार सो पराई वस्तु गैवे की क्या चोरी, या चोरी के स्थान है। पराई वस्तु को देख करके ललचाओ मत, आप उसको देख करके ये देख रहे हैं ये बढ़िया ड्रेस पहने हुए है, कितने लोग आपकी देश के लिए ललचा रहे, ऐसी स्थिति है संसार की। मोह हमेशा दूसरे की ओर आकर्षित होता है, दूसरे को देखता है। मजदूर कभी कभी उस मालिक को शेर को देख करके ललचाता है, क्या बंगला बना है, क्या बढ़िया रहन सहन है, क्या ठाट बाट है, लेकिन कभी कभी सेठ भी मजदूर को देख करके ललचा जाता है, ऐसी आराम से सो रहा है तो नींद की गोली खाने पर रहे, क्या बढ़िया तरीके से खा रहा है रूखी रोटियां, यहाँ भूख ही नहीं। आज फिर कह रहे हैं, हम कई बार कह चुके, एक बार एक धर्मशाला में रुके तो वहां दोपहर को मजदूर आ जाते थे नीचे आंगन में, तो वो अपने भोजन पानी कर दिए। एक दिन मन आ गया तो हम खड़े हो गए खंभे के सहारे, देखिए और देखते देखते विचार करने लगे, हमने देखो ये मजदूर रूखी रोटी उन्हें खोली, नमक की दली भी या मिर्ची भी इतनी, और अपने आराम से खाने लगे। और सोचे भैया काय तुम कहा को बैठे लाइन में से ले रही, हमने कहा इतना बात चले और इतना संतोष तो कम से कम त्यागियों में होना चाहिए। आज दूध नहीं है, आज घी नहीं है, आज रस नहीं है, आज नमक कम है, क्या तुम मजदूरों के घर जीते हो, कम से कम 25-30 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं हम। ऐसे कहीं कहीं देखते रहे और उसने वो बैठा रहता, अरे हल्ला मत करो ऊपर महाराज चुके हैं। हमने कहा भाई नेक देर को बेचारे काम करके आए, नेक बातें कर रहे, कर लेंगे हम तो दिन भर बैठेंगे, कोई बात नहीं, बाहर से डिस्टर्ब क्या होता है, डिस्टर्ब तो भीतर चाहिए, ये कथाएं डिस्टर्ब करने वाली है। अब हम उनकी बातें भी सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं कि देखो कोई अपेक्षा नहीं कि सब्जी नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि दाल नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं कि मीठा नहीं है, और उसमें से ले भैया लाओ कह नहीं आज उसमें से इतना बात चल। अगर इतना भी बात चल अपने में नहीं हुआ तो मजदूरों से क्या जीते हो गए, पूछो काय पर ऐठ रहे हो तुम, जिस पर ऐठ रहे हो वो तुम्हारा नहीं हो, ध्रुव नहीं,
और जो ध्रुव है और तुम्हारा है, अगर उसे देख लो तो सारी ऐंठ मिट जाए, जीवन में सरलता आ जाए, संतोष आ जाए, आनंद आ जाए। वो मोह ऐसी चट्टान है, ऐसी पत्थर है, उसके भीतर पानी का ऐसे बह रहा है, वो टूटा और ऊपर ऐसे फब्बारा सीधो। और देखो इसमें भी बेईमानी है, आश्चर्य है, इसमें भी बेईमानी है। तुम्हें देख करके मन चलेगा, इनकी घड़ी देख करके मन चलेगा, इनकी अंगूठी देख करके मन चलेगा, इनका चश्मा देख करके मन चलेगा, और ये भगवान को देख करके मन नहीं चलेगा। वो मेरी ऐसी दशा, इसमें भी ऊपर, ये ऊपर से बोलेगा तो भीतर से कहेगा क्या भैया कहा देख रहे, कछ नहीं कछ नहीं, और देख रहे वो अंगूठी कितनी बढ़िया है, और कहा देख रहे क्या कछु नहीं ले ले, अरे रहन दे, नहीं नहीं रहन दे रहन दे, कुछ बात नहीं, और मंगा लेंगे हम। देख कर रहे थे कहां से ले आए, कितने की आए, माने देखो माचारी कितनी चल रही है, और यहां नहीं। हाँ ये स्वरूप है, क्या दशा है, पशु भी क्रूरता भूल जाए, क्रूर पशु भी क्रूरता भूल जाए, ये ऐसी शांत मुद्रा है, विश्व में अद्वितीय है। और ध्यान रखना ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा साध्य है, ये हमारा स्वरूप है और ये हमारा साध्य है। ऐसी मुद्रा कोई नकली नहीं बना पाओगे, और जब स्वरूप की दृष्टि होगी और स्वरूप की भावना होगी, स्वरूप लीनता होगी, तो ऐसी दशा तुम्हारी होगी, ऐसी दशा हमारी होगी। ऐश्वर्य के स्थान ललचाना छोड़ो, संतोष जीतो, शिक्षा दे है ना, तो काहे की शिक्षा दे, अचौरी की शिक्षा दे। ये ब्रह्मचर्य के स्थान है, भोगों में सुख नहीं है, अगर भोगों में सुख होता तो क्यों छोड़ते। जिन भोगों को पाने के लिए आप ललचाते हो, ऐसे भोग तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए हैं। ये पवित्र दृष्टि है, ये पवित्र दशा है, आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान। अमृतचंद स्वामी ने किन शब्दों में कहा है क्यों, अरे शास्त्र में लिखा है इसलिए पूछ रहे हैं, और आप पढ़ते हो, आश्रव जल में शैवाल की तरह मलिन है, आश्रव जल में ऊपर आई जाने काई की तरह मलिन है, और भगवान आत्मा तो सदा पवित्र है। क्या क्या शब्द लिखे हैं, इधर देख के लिखे होंगे, उधर देखोगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में भी नहीं आएंगे। आश्रव, अब इनका अभ्यास करो घर बैठ करके। देखो स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेगा तो पढ़ाई सफल नहीं हो पाएगी। कितना ही अच्छा अपनी चर्चा हो, लेकिन अगर उसका चिंतन नहीं करेंगे और निर्णय में उपयोग नहीं लगाएंगे, तो वो थोड़ी देर के लिए बढ़िया बढ़िया कह देंगे, बात बाकी नहीं हो पाएगा उसका। आश्रव जल में काई की तरह मलिन है, एक एक आश्रव को अलग अलग करके लिखो, या मिथ्यास, हिंसा, झूठ, चोरी, करतील, परिग्रह अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ, एक एक लाइन लगाओ। क्रोध जल में काई की तरह ऊपर ऊपर ही तो है, भीतर देखो क्षमा का भंडार है। सभी ने थोड़ी चर्चा चली थी अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना, अपने को आत्मा देखो और सबको आत्मा देखो, फिर क्रोध करके बता।
आपके छोटे से बेटे से या नाती से कोई नुकसान हो गया हो, कितनी गुस्सा आई, कितनी गुस्सा आई, उसी की मतलब नौकर पर आ सकती है, पत्नी पर आ सकती है, वहां जिसने रखा उस पर, वो नहीं रख किसने दिया, अब वो तो बच्चा है, तो वो तो बच्चा है, ये भी सब बच्चे ही है। जो आत्मा को नहीं समझता वह बाल ही है, जो तत्व को नहीं समझता वह बाल ही है कि नहीं, बोलो अज्ञानी है कि नहीं। अब कितना क्रोध आएगा, कब क्रोध? अच्छा, अब क्रोध करके फिर क्या करोगे? क्रोध के चक्कर में असली शत्रु भीतर छिप जाता है और बाहर ढूंढते फिरते हैं बाहर के शत्रुओं को, असली बच जाता है, नकली पिट जाता है क्रोध के चक्कर में, ये समझ। और हमारा जीवन बिगड़ जाता है, क्रोध की आदत पड़ जाती है, सामने वाला तो हट जाता है, नौकर पर नाराज हुए, नौकरी छोड़ करके चला गया, तुम ही रहेगा, और दूसरा आएगा तो वो भी बेचारा कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती होगी, और तुमने फिर किया तो फिर चला गया, माने अंत में उसका फल क्या होगा अपने कोई तो हैरान होना पड़ेगा। हमारा मतलब ये ब्रह्मचर्य के स्थान है, सील तो बहुत उसका एक हिस्सा है, बाद बाकी सील और ब्रह्मचर्य परमार्थ एक ही है, लेकिन लोक व्यवहार में सील और ब्रह्मचर्य में अंतर है। सील श्रावक के जीवन की मर्यादा है और ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट साधना है। अपनी स्त्री संबंधी जो विषय का परिणाम है वह अब्रह्म कहा जाता है, कुशील नहीं कहा जाता, उसको कुशीलवान कोई नहीं कहता, अब्रह्म है ये है, लेकिन उसको कुशील नहीं कहते। कुशील जब प्रयोग होता है चरणान योग की पद्धति में, नीति में, तब हमेशा परिस्थिति संबंध तो ये तो ब्रह्मचर्य के स्थान है या परिग्रह के स्थान। धर्मायतन का अर्थ समझ में आ गया होगा, धर्मायतन 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 क्या है बोलो? ये आराधना के स्थान है, साधना के स्थान है, यहाँ आराधना और साधना को सीखो, अपने उपयोग को समेटना सीखो। कैसे छोड़ दें साहब, इन्होंने कैसे छोड़ी ये बता, तुम पूजा कर रहे हो ना भगवान की, इन्होंने कैसे छोड़ी, तुम कह रहे कैसे छोड़े? जब डॉक्टर कह देता है कि ये मिठाई तुम्हारे लिए घातक है, तब कैसे छोड़ देते? ये नमक तुम्हारे लिए खतरनाक है, नमक बिल्कुल नहीं लेना, और लेना भी पड़े तो थोड़ा सा सेंधा नमक भले ले लो, नहीं तो नमक लेना ही नहीं, अब कैसे छोड़ देते आप? नमकीन बहुत पसंद है आपको। जब देह की ममता के कारण वे सब छूट जाते हैं, तो आत्महित की दृष्टि होने पर ये सब नहीं छूटेंगे। विचारना भाई, हम ये कह रहे थे रास्ता तो खुला रह गया, समय पूरा हो गया, क्या कह रहे थे? चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, आए हो कि नहीं सही बता, और शीतलता मिल जाए ये ललक है कि नहीं? अगर है तो भगवान क्या कह रहे, शीतलता मिल जाएगी तुम्हें? क्यों भाई, ये इस तरह का कपड़ा हमको मिल सकता है? हाँ मिल जाए, कितने का? 100 रुपए का है, 100 रुपए हम पे आएंगे। ये कैसे कह सकते, मिल जाए,
शीतलता मिल जाएगी, लेकिन शीतलता को रोकने वाला कौन है? जिस शीतलता को आप चाहते हो, जिस सुख शांति को चाहते हो, वो तुम्हारा स्वभाव है, वह तो तुम्हारे घर में ही मिल जाएगी। वह शीतलता अंतर्दृष्टि होने पर मिलेगी, भटकने की जरूरत नहीं है उस शीतलता शांति के लिए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेड़ा कल मत लगाना, एक लड़के ने हम बैठे बैठे देख रहे थे, कितना सुंदर शांत पानी और उसमें कैसी कैसी गहने पड़ रही थी और क्या आनंद आ रहा था, और इसने आकर के पत्थर फेंक दिया। अब हम क्या करें? तो कुछ मत करो, चुपचाप थोड़ी देर बैठे देखते जाओ, वो अपने आप शांत हो। आपको उसको शांत करने की जरूरत नहीं है, अगर डंडे से पीट पीट करके शांत करोगे तो उतनी अशांति होगी। शांति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप केवल अपनी ओर देखो, केवल अपनी ओर देखो। तुम्हारा स्वभाव ही शीतल है, तुम्हारा स्वभाव ही शांत है, तुम्हारा स्वभाव ही आनंदमय है। शीतलता मुझको मिल जाएगी, मिल जाएगी, अपनी ओर देखो। कितना सुंदर उत्तर है, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ये नहीं कह रहे, मिलेगी, लेकिन अपनी ओर देखो। इन भगवंतों की ओर देखने से जिज्ञासा पूर्वक विनय पूर्वक देखने से, वैसे ही देखने से नहीं, शांति और शीतलता का मार्ग मिलेगा, और अपनी ओर देखने से शांति और शीतलता मिलेगी। इनकी ओर भी नहीं देखोगे तो मार्ग भी नहीं मिलेगा, और अपनी ओर देखोगे नहीं देखोगे तो शांति नहीं मिलेगी। विचारना द्रव्य संग्रह शास्त्र स्वाध्याय में 13 नंबर की गाथा पढ़ करके आना, मग्गन गुण ठाड़े ही चौदशाई अवंत चह अशुद्धया बेलिया संसारी सभ्य शुद्धा शुद्ध। गाथा बहुत विस्तृत है, वो टीका बहुत विस्तृत है, हम इतना कह भी नहीं पाएंगे। हम तो उसमें से 2 प्रयोजन की बातें कहेंगे, आप पूरा पढ़ करके बैठना विचार। हाँ, समयसार जी का विषय भी पढ़ करके बैठेंगे, समयसार का विषय बताओ क्या है, भगवान आत्मा है? नहीं नहीं, सब ये पुण्य पाप अधिकार का अंतिम कलश है, ये 111 नंबर का, 111 नंबर का मगना कर्म नयावलंबन पर नंबर हमें याद नहीं रहते भाई, हम तो तेज याद नहीं रहते।